हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में एडम्स एंड फ्रेजेज, जिसका फ्रेंड्स ये पार्ट टू होने वाला है। पार्ट वन अभी तक आपने नहीं दिखा है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 51 नंबर तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो 52 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है बून ब्लेसिंग इन डिसगज, मतलब छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग इनका मीनिंग होता है। क्लियर? बून ब्लेसिंग इन डिसगज का मीनिंग होता है छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। 53 है बॉजम फ्रेंड, मतलब जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड भी बोलते हैं उसको। 54 है ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। क्लियर ना? ब्रेक द आइस मतलब बहुत बार रिपीटेड है, चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 55 में ब्रेथ वंस लास्ट, मतलब मर जाना, टू पास अवे या फिर टू डाई। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब होता है मर जाना, टू पास अवे या फिर टू डाई। 56 है ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। ठीक है ना? इन डे लाइट दिन दहाड़े। 57 है ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति, ब्रोकन रीड मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति, मतलब अ वीक अनरिलायबल रिलायबल पर्सन। क्लियर? ब्रोकन रीड का मतलब होता है अ वीक या फिर अनरिलायबल पर्सन। 58 दिया हुआ है ब्राउन स्टडी, मतलब विचार मग्नता। ब्राउन स्टडी मतलब क्या होता है? विचार मग्नता, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। क्लियर? 59 दिया हुआ है अबुल इन द चाइना शॉप, बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है एसएससी में, जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज नॉट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। ठीक है ना? मतलब जो जगह के अनुकूल ना हो, अबुल इन द चाइना शॉप। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड 60 नंबर, बर्न अ होल इन द पॉकेट, सहजता से खर्च करना, मतलब मनी स्पेंड क्विकली, ये हो जाएगा बर्न अ होल इन द पॉकेट का। 56 दिया हुआ है बर्न वंस फिंगर्स, मतलब खुद का नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या हो जाएगा? खुद का नुकसान कर बैठना। 62 दिया हुआ है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है ना, मतलब फिजूल खर्चे करना, टू वेस्ट मनी। क्लियर? बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मीनिंग हो जाएगा फिजूल खर्चे करना, टू वेस्ट मनी। 63 दिया हुआ है बर्न द मिडनाइट आयल, मतलब देर रात तक मेहनत करना, लैबरिंग या फिर स्टडिंग टिल लेट नाइट। ठीक है ना? बर्न द मिडनाइट आयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। 64 है बर्निंग क्वेश्चन, मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न, हॉट इशू। क्लियर? बर्निंग क्वेश्चन मतलब होगा ज्वलंत प्रश्न, हॉट इशू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 65, ब्यूरी द हैचेट, ठीक है ना, दुश्मनी खत्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। ब्यूरी द हैचेट का मतलब हो गया दुश्मनी खत्म करना, टू एंड अ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, कभी कभी आपको सिनोनिम या फिर एंटोनिम्स में देखने को मिलते हैं वर्ड। 66 है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर अनियमित रूप से, मतलब इरेगुलरली। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का होगा इरेगुलरली। 67 है बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब गलत या सही किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, है कि नहीं? बाई हुक और बाई क्रूक मतलब किसी भी तरीके से, अच्छा हो या सही हो या फिर गलत तरीके से। 68 है बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स, मतलब दिन दूनी और रात चौगुनी, एट अ रैपिड पेस। बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होगा एट अ रैपिड पेस। 69 है बाई द स्किन्स ऑफ वन्स टीथ या फिर बाई अ विस्कर, मतलब थोड़े से अंतराल से, नैरोली या फिर बाई अ हेयर ब्रीथ। क्लियर? यहाँ पे 69 है बाई द स्किन ऑफ वन्स टीथ, मतलब थोड़े से अंतराल से, नैरोली। 70 है कैरी द कोल टू न्यू कैसल, मतलब बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग डैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मतलब कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब होता है बेवजह मेहनत करना। 71 है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, बंदर के हाथ में नारियल, कहावत सुना ही होगा आप सभी ने, और राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। 72 है कैसल्स इन द एयर, हवाई किला बनाना, डे ड्रीम अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। ठीक है ना? बड़े बड़े सपने देखना। 73 है कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब कलहपूर्ण जीवन, झगड़ालू जीवन, ट्रबल सम लाइफ। 74 है कैच अ टार्टर, मतलब कि शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू ग्रैपल विथ अ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। क्लियर? 75 यहाँ पे दिया हुआ है कैट्स पॉ, मतलब निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए उसे बोलते हैं हम लोग
कैट्स पॉ इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन यूज बाई अनदर एज अ ड्यूप और टूल। 76 है फ्रेंड्स च्यू द कर्ड मतलब मनना कर मनन करना टू पॉन्डर ओवर मेडिएट च्यू द कर्ड का यहाँ पे हो गया मीनिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे 77 में चिकन हार्टेड मतलब डरपोक कायर बुज्जिल लैकिंग कवरेज या फिर कावर्डली का मीनिंग होगा चिकन हार्टेड बहुत ही नॉर्मल है। कॉक एंड बोल स्टोरी मतलब मन गढ़ंत कहानी मतलब क्या फल से स्टोरी बोल सकते हैं कॉन्कोक्टेड स्टोरी ठीक है ना झूठी कहानी। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है दिखावटी आंसू मतलब अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ मतलब दिखावटी आंसू यहाँ पे हो जाएगा क्रोकोडाइल टीयर्स का मीनिंग क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन क्रॉस वर्ड्स मतलब लड़ना टू क्वारल और फाइट क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है टू क्वारल और फाइट यहाँ पर दिया हुआ 81 ने क्राई फॉर द मून मतलब किसी असंभव वस्तु से कामना करना किसी असंभव वस्तु की कामना करना टू डिजायर द अनअटेंटेबल क्लियर क्राई फॉर द मून का मीनिंग होगा। 82 है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क व्यर्थ पछताना रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन है ना क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। 83 है कट अ सॉरी फिगर मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना टू गिव अ पुअर शो कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या होगा टू गिव अ पुअर शो। 84 है कट बोथ वेज दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना आर्ग्यू इन अ फेवर ऑफ बोथ साइड्स उसको बोलते हैं हम कट बोथ वेज हो जाए। कट नो आइस है कोई असर नहीं डालना टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन इसे बोलेंगे हम लोग कट नो वाइस कोई असर नहीं डालना। 86 है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ मतलब अपनी आय के अनुसार व्यय करना टू लिव विद इन वंस मीन्स क्लियर। 87 दिया हुआ डांस टू वंस ट्यून हुक्म का पालन करना ओबेइंग वंस ऑर्डर। 88 है डार्क हॉर्स मतलब जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली उसे बोलते हैं हम सभी क्या डार्क हॉर्स। डेड लेटर है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है उसे बोलते हैं हम डेड लेटर। अ लॉ और ऑर्डिनेंस डैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड क्लियर। 90 है डोमोकल स्वर्ड्स सिर पर मंडराता खतरा कॉन्स्टेंट थ्रेट क्लियर फ्रेंड्स तो डिकोल से स्वर्ड मतलब होता है क्या कॉन्स्टेंट थ्रेट। 91 नंबर क्वेश्चन है डाई और डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना मतलब लज्जाजनक मौत मरना टू डाई अ शेमफुल डेथ डाई अ डॉग्स डेथ मतलब हो गया डाई अ शेमफुल डेथ। 92 है डाई इन हार्डनेस मतलब अपने कार्य अवधि के दौरान ही मृत्यु होना डाई वाइल इन सर्विस ठीक है ना। 93 है डॉग इन द मैंगर मतलब जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट उसे बोलते हैं डॉग इन द मैंगर। 94 दिया हुआ है यहाँ पे डंकी जियर्स मतलब काफ़ी समय बाद डंकी जियर मतलब काफ़ी समय बाद अ लॉन्ग टाइम बहुत ही नॉर्मल है डंकी जियर्स अ लॉन्ग टाइम। 95 है ड्रॉ अ लाइन मतलब मर्यादा तय करना ड्रॉ अ लाइन मतलब होता है मर्यादा तय करना सेट अ लिमिट क्लियर लक्ष्मण रेखा याद ही होगा आप सभी को ड्रॉ अ लाइन मतलब क्या होता है मर्यादा तय करना सेट अ लिमिट। 96 है डक इन अ थंडर स्टॉर्म व्यथा में इन अ पेनफुल कंडीशन डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब क्या हो गया इन अ पेनफुल कंडीशन व्यथा में परेशानी में। 97 है ईगल आइड मतलब तेज नज़र वाला विथ कीन आई साइट उसे बोलते हैं हम लोग ईगल आइड। 98 है ईट हम्बल पाई मतलब शर्मिंदगी झेलना टू एपोलोगाइज ईट हम्बल पाई मतलब क्या होता है टू एपोलोगाइज शर्मिंदगी झेलना। 93 है ईट वंस वर्ड्स मतलब शब्द वापस लेना टेक अ स्टेटमेंट बैक ईट वंस वर्ड्स का मीन्स क्या हो जाएगा शब्द वापस लेना टेक अ स्टेटमेंट बैक। 100 दिया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन इल्बो रूम मतलब काम करने की स्वतंत्रता सफिशियंट स्कोप टू मूव और फंक्शन क्लियर इल्बो रूम का ये मीनिंग होता है। और यहाँ पे 101 क्वेश्चन है एंड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम न निकलना कम टू नथिंग इसे बोलते हैं हम लोग एंड इन स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एस्केप वंस लिप्स मतलब बोल जाना स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली उसे बोलते हैं हम लोग एस्केप वंस लिप्स। 103 है फैबियन पॉलिसी मतलब सावधानीपूर्ण मंद गति नीति डिलीवरेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस इसे बोलते हैं हम लोग फैबियन पॉलिसी। 104 है फेयर एंड स्क्वायर निष्पक्ष इन अ ऑनेस्ट वे क्लियर फेयर सेक्स मतलब होता है नारी जाति वुमेन। 106 क्वेश्चन है फेयर वेदर फ्रेंड मतलब मुसीबत में साथ न
ना देने वाला जो दोस्त होता है उसे बोलते हैं ना फेयर वेदर फ्रेंड, प्लस सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विथ हस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, क्लियर। इसे बोलते हैं हम सभी फेयर वेदर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थे आज के एडम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट टू, जिसमें मैंने यहाँ पे 52 से 106 तक कवर कराया। बाकी आगे के सीरीज में मैं आप सबको कवर करा दूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SSC जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।